नमस्कार मित्रों, आप सभी भक्तों से एक विनती है कि वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। मित्रों, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि आप इस प्रेरणादायक कथा को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि आप अगर इस कथा को अंत तक नहीं सुनेंगे तो आपको यह कथा बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। मित्रों, लोग प्रश्न किया करते हैं कि जब भी वह पूजा पाठ या भगवान का ध्यान करते हैं तो उस समय उनके मन में गंदे विचार क्यों आते हैं, जिसके कारण वह अपना ध्यान पूजा पाठ में लगा ही नहीं पाता है। क्या कभी आपने सोचा है मित्रों, ऐसा क्यों होता है? तो मित्रों, आज की हमारी जो कथा है वह इसी विषय पर आधारित है, इसलिए इस कथा को आप अंत तक अवश्य सुने। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। एक बार माँ गौरी ने भगवान महादेव से पूछा, हे नाथ, जब भी मनुष्य पूजा पाठ या भगवान का ध्यान करता है तो उसके मन में गलत विचार क्यों आने लगते हैं, इसका क्या कारण है? जबकि भगवान का ध्यान करने जा रहा होता है उस समय उसके मन में गलत विचार क्यों आते हैं, इसका क्या कारण है? महादेव माँ गौरी की बातों को सुन महादेव मुस्कुराने लगे और वह माँ गौरी के प्रश्न की जिज्ञासा को देखते हुए माँ गौरी को पृथ्वी पर ले आए और पृथ्वी पर आकर भेष बदल कर वह एक गुरुकुल में जा पहुंचे और भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि यहाँ अभी बच्चों पर अपना ध्यान देना, लेकिन उनके बीच में अपना हस्तक्षेप कतई न करना, क्योंकि जो हो रहा है वह इस संसार का नियम है। लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न की जिज्ञासा की खातिर यहाँ लेकर आया हूँ, यहाँ तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा और भगवान शिव के साथ। कुछ दिन वहां रहे। इस दौरान माँ गौरी ने देखा कि उस गुरुकुल के दो बालकों में बहुत गहरी दोस्ती थी, लेकिन उनमें से एक बालक बहुत ही शैतान और खुरपेची था। वह खुद तो पढ़ता नहीं था और उस दूसरे बच्चे को भी पढ़ने नहीं देता था। जब भी उसका मित्र पढ़ने बैठता तो वह उसे अन्य बातों में उलझा लेता और अपनी खुराफातों से उसका ध्यान भटकाता रहता और इसी तरह पूरा वर्ष बीत गया और अंत समय में उनकी पढ़ाई का परिणाम आ गया। तो माता पार्वती ने देखा कि उन दोनों बालकों का परिणाम अच्छा नहीं आया है, क्योंकि वह शैतान बालक न तो खुद पढ़ता था और न ही अपने मित्र को पढ़ने देता था। अब भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाते हुए कहा, हे देवी, जिस प्रकार उस शैतान बच्चे ने उस सीधे बच्चे को पढ़ने नहीं दिया, जब भी वह पढ़ने बैठता था तो उसका ध्यान भटकाता रहता था, लेकिन वह बालक अबोध होने के कारण इस बात को समझ ही नहीं पाया कि वह शैतान बालक उसकी विफलता का कारण बनता जा रहा है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी जाने अनजाने में न जाने कितने पाप करता है और वह पाप उसके साथ हमेशा रहता है, और जब भी वह मनुष्य पूजा या भगवान का ध्यान करता है तो वही पाप उस मनुष्य का ध्यान इधर उधर केंद्रित करने लगता है, जिसके कारण वह मनुष्य अपना ध्यान पूजा में लगा ही नहीं पाता है, क्योंकि उस पाप को यह डर होता है कि अगर यह व्यक्ति भगवान की पूजा में अपना ध्यान लगा लेगा तो उसके जीवन में मेरा अस्तित्व कम होने लगेगा, इसलिए उस मनुष्य के पाप उसके ध्यान को इधर उधर भटकाते रहते हैं, जिसके कारण मनुष्य अपनी पूजा और ध्यान का परिणाम अच्छा नहीं पाता है। भगवान महादेव की बातों को सुन माँ गौरी ने कहा, हे प्रभु, जो पाप जाने अनजाने में हो जाते हैं, अगर वह पाप हमारे मन को पूजा पाठ में लगने नहीं देंगे तो उससे बचने का क्या उपाय है? तो भगवान महादेव ने एक संत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस प्रश्न का उत्तर इनके साथ घट रही घटना से मिल जाएगा। वह संत नित्य प्रातः काल 3 बजे उठकर भगवान का भजन किया करते थे, लेकिन उस दिन भगवान की लीला के कारण वह देर से उठे, जिस कारण उस दिन उन संत ने भगवान की पूजा भजन नहीं कर पाया। इस कारण वह बहुत निराश हुए और उस दिन वह पूरे दिन रोते रहे और उस दिन उन्होंने न तो कुछ खाया और न ही पानी पिया। अब अगले दिन जब संत सो रहे थे तो सुबह 3:30 बजे उनको एक आवाज सुनाई देती है, हे मुनिवर, उठो, तुम्हारी पूजा का समय हो गया है। जब संत के कानों में यह वचन पहुंचे तो उन्होंने जाग कर कहा, कौन कौन हो तुम? तो फिर से आवाज आई, मैं पाप हूं। तो संत ने कहा, अगर तुम पाप हो तो फिर मुझे भगवान की पूजा के लिए क्यों जगाया? तो वह पाप बोला, कल तुम देर से उठे, इस कारण कल तुमने भगवान की पूजा भजन नहीं की और तुम पूरे दिन रोते रहे, इस कारण तुम भगवान की ओर करीब पहुंच गए और मेरा अस्तित्व कम हो गया, इसलिए मैं तुम्हें आज समय से जगा रहा हूं, क्योंकि अगर तुम आज फिर से देरी से उठते तो तुम आज भी भगवान के लिए रोते और तुम उनके ओर करीब चले जाते। पाप के यह वचन सुनकर संत के आंसू आ गए। यह दृश्य देखकर माँ गौरी ने भगवान महादेव से फिर प्रश्न किया, हे देव, तो क्या मनुष्य को अपने पापों को कम करने के लिए रोना पड़ेगा? तो भगवान शिव ने कहा, नहीं, इसका अर्थ यह नहीं है
कि वह अपने पाप को कम करने के लिए रोता रहे। इसका असल अर्थ तो ये है कि अगर मनुष्य भगवान की पूजा आराधना करता है और यदि उसका मन भगवान की पूजा में नहीं लगता, उस समय उसके मन में यदि कोई गलत विचार आता है और उसका ध्यान भगवान की तरफ केंद्रित नहीं हो पाता है, तो वह स्वयं यह विचार करे कि ऐसा उससे क्या पाप हो गया जिसके कारण उसका ध्यान भगवान की पूजा पर नहीं ठहर रहा है, और उसे अपने अनजाने में हुए पाप कर्मों के लिए ग्लानी होनी चाहिए। और जब किसी भक्त को अपने कर्मों पर ग्लानी होगी तो आप यकीन मानिए कि वह जो पूजा करने जा रहा था उससे जो फल मिलता उससे कई गुना फल उसको अपने पाप कर्मों की ग्लानी पर होगा। इसलिए मित्रों, हमारे वेद पुराणों में भी कई जगह ऐसी घटनाएं हैं जहां पर हमारे आर्षि मुनि हवन करते हैं, वहां पर दैत्य प्रवृत्ति के लोग आकर उत्पात मचाते ही हैं। यह दैत्य प्रवृत्ति क्या है? यह पाप ही है और यह तो सदियों से चला आ रहा है, और इस पर विजय प्राप्त करना मनुष्य के स्वयं के ऊपर निर्भर है। इसीलिए मित्रों, यदि आपका मन भगवान की पूजा और ध्यान में नहीं लगता है तो निरंतर प्रयास करते रहें, और यह सीख रखें कि जब भी कोई बालक चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है लेकिन अंत में वह चलना सीख जाता। तो मित्रों, आपको मेरे द्वारा कही हुई यह कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और मिलते हैं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।